नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और किताब के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे विजयदान देथा के कहानी संग्रह दुविधा और अन्य कहानियां पर। विजयदान देथा विज्जी लोक के गहरे जानकार थे। वो एक ऐसे अनोखे लेखक थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में लिखना आरंभ किया, अपनी मौलिक रचनाएं की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि असल में रचना का, लेखन का एक ढंग, एक विधा ये भी हो सकती है कि हमारी जो लोक की परंपरा है उसका पुनर्आविष्कार किया जाए, उसको नए सिरे से अपने समय के लिए अनुकूल और प्रासंगिक बनाया जाए। और फिर तो विज्जी ने अपना सारा जीवन इसी साधना में समर्पित कर दिया। 2011 में विज्जी नोबेल पुरस्कार की दौड़ में भी थे और विज्जी निश्चित रूप से हमारे केवल राजस्थानी या केवल हिंदी नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक है। केसरिया बालम आओ लोकगीत, लोकनाट्य और लोकवाद्य राजस्थान की रंग रंगीली लोक संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख अंग हैं। यहाँ के लोक परिवेश में ऐसी अनेक कथा कहानियां भी बिखरी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गांव ढाणी और लोक के दिग्गज साहित्यकार विजयदान देथा ने राजस्थान के लोक जीवन, लोक संगीत और लोक संस्कृति को लोक शैली के माध्यम से ही प्रस्तुत किया। अपने परिवेश और लोक परंपरा से गहरे में जुड़े रचनाकार विजयदान देथा को लोग प्यार से विज्जी बुलाते थे। उनका मशहूर कहानी संग्रह दुविधा और अन्य कहानियां 1979 में प्रकाशित हुआ। इसमें दुविधा समेत कुल 21 कहानियां हैं। दुविधा कहानी पर मणिकौल ने 1973 में फिल्म दुविधा बनाई। इसी कहानी पर 2005 में अमोल पालेकर ने पहेली नाम की फिल्म बनाई। दुविधा कहानी यूं तो प्रेम में पागल एक भूत की कहानी है, लेकिन जिस दुविधा के सामने वो हमें खड़ी करती है वो बहुत गहरी है। भूत योनि में पड़े रहना अतृप्त या पापयुक्त जीवन का प्रमाण माना जाता है, लेकिन इस कहानी के भूत को क्या पापयुक्त कहा जा सकता है? जाते हुए को रोक न सकी, सामने प्रकट हुए भूत को मैं किस प्रकार मना करूं? क्या उसका चरम बलिदान अतृप्त के रूप में पढ़ा जा सकता है? विज्जी की ही दूसरी कहानियों पर प्रकाश झा ने परिणति और श्याम बेनेगल ने चरणदास चोर फिल्म बनाई। इससे पहले हबीब तनवीर ने चरणदास चोर को छत्तीसगढ़ी नाटक का रूप दिया था। दुविधा और अन्य कहानियां संग्रह की कहानी खोजी, पाप पुण्य, सही गलत जैसे नैतिक सवालों को इस बुनियादी बेचैनी से जोड़ देती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वहीं दूजो कबीर सत्ता और कला के संबंधों की कहानी है। राजस्थानी में उनकी कहानियां बातारी फुलवाड़ी में संकलित है। विज्जी की सभी कहानियों में हम कहानी कहने और किस्सा गोई के पारंपरिक रोचक रूपों को बहुत मार्मिक ढंग से समकालीन मोड़ लेते देखते हैं। मित्रों, आज हमारे साथ विजयदान देथा के कहानी संग्रह और अन्य चीजों पर बात करने के लिए प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक जनसत्ता के भूतपूर्व संपादक ओम थानवी जी मौजूद हैं। ओम थानवी जी की खुद की मातृभाषा राजस्थानी या मारवाड़ी है। विज्जी के परिवार से ओम थानवी जी का एक संबंध भी रहा है और आज लेकिन हम जो बात करेंगे वो रचनाओं पर होगी और रचनाओं के प्रसंग से निकलने वाले सवालों पर होगी। ओम जी, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ, जो एक आप क्षमा करेंगे कहने के लिए कि एक डेविल्स क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, डेविल्स एडवोकेट की तरह, कि जब विज्जी का अधिकांश महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध लेखन लोक कथाओं की पुनर्रचना है तो उन्हें मौलिक लेखक क्यों माना जाए? ये कहना कि उन्होंने लोक कथाओं को जैसा सुना वैसा लिप्यंतर करके हमारे सामने पेश कर दिया, अगर इतनी बात होती फिर तो हम ये सवाल खड़ा कर सकते थे। मेरा मानना ये है कि ये एक तरह का ट्रांसक्रिएशन है, लिप्यंतर नहीं है।
बल्कि ट्रांसक्रिएशन से भी कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कई जगहों पर तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने कथा को, जो लोक कथाएं तो हम सब वहाँ राजस्थान में बचपन से सुनते आते हैं, बल्कि हमको सुलाने के लिए और जगहों पर जैसा होता है लोक कथाएं सुनने में आती हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं जो मैंने बाद में बिजी की भाषा में पढ़ी, वो कहानियाँ, वो लोक कथाएं हमने भी बचपन में सुनी थी, लेकिन वो जस की तस नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी दुविधा है, जैसे मणिकौल ने फिल्म बनाई, उसमें भूत का चरित्र लोक कथा में खलनायक का है, वो बुरा व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने उस कहानी में उसको एक नैतिक चरित्र के रूप में ढाला है और वो जा करके जिस तरह से नैतिक सवाल खड़े करने वाले नैतिक सवाल खड़ा करता है और बहू के सामने जो नवविवाहिता आई है वो साफ साफ कहता है कि मेरे मन में ये भावना है, और उस महिला के मन में दुविधा खड़ी होती है, इसलिए उसकी कहानी का नाम उन्होंने दुविधा रखा। तो वो कहानी जो मूल लोक कथा है वो मुश्किल से 2 पन्ने में आएगी, लेकिन अगर उस पर 20 पन्ने उन्होंने लिखे हैं तो उसमें उनका अपना जौहर जो है, जलवा कहना चाहिए, जैसे आंधी की व्याख्या उन्होंने की है, तो लोक कथा सुनाते हुए उस तरीके से अंधड़ जो है उसको आप महसूस नहीं करते हैं, उसमें उस गद्य का अनुवाद भी मुश्किल है। इसीलिए मैंने ओम जी कहा कि डेविल्स क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के सवाल उठते हैं। एक और सवाल इसी तरह का उठता है, और ये केवल विज्जी के संदर्भ में नहीं, ये बहुत व्यापक स्तर पर उठाया जाता है, और इस सवाल का मुझे भी कई बार अपने काम को लेकर सामना करना पड़ता है कि साहब जो समस्याएं आज की हैं, भविष्य की हैं, उनके समाधान के लिए या आज के या भविष्य के मनुष्य की संवेदना के विस्तार के लिए, ये जो आप अतीत में लौटते हैं लोक के बहाने या महाकाव्य के बहाने या पौराणिक पात्रों के बहाने, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये असल में वर्तमान से और समय से पलायन है। विज्जी की कहानियाँ, खास करके जब आप दोहरी जिंदगी जैसी कहानी देखें या खोजी जैसी कहानी देखें या कागपंथ जैसी कहानी देखें, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि असल में वो अतीत से एक संवाद करके अपने समय को और अपने समय की विडंबनाओं और सत्ता की क्रूरताओं को समझने का प्रयत्न करती हुई कहानियाँ हैं। आप कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत से विद्वानों ने बात कही है कि बगैर अतीत को पकड़े, बगैर अतीत को समझे भविष्य नहीं है। ये भी किसी ने कहा है कि अगर तुम अतीत पे गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोले बरसाएगा। आप अतीत को समझते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक उपादान लोक कथा है, और लोक कथा कहते ही हम ये मान के चलते हैं, जैसे लोक कथाएं हमने संसार में और जगहों पर पढ़ी हैं, वो लोक कथाएं तो लगभग लोक कथाएं हैं, लेकिन बिज्जी की लोक कथाओं का संसार उनका अपना संसार है, इसलिए मैं उनको सिर्फ लोक कथाओं का पुनर्भाष्यकार नहीं मानता हूँ, वो मौलिक लेखक ही मैं उनको इसलिए मानता हूँ। जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंटेंट कहीं पर एक जो कंटेंट है वो लोक कथा से उठाया है, उसमें चरित्र, लेकिन उन चरित्रों को उन्होंने व्याख्या दी है, और नारी और पुरुष के जो द्वंद्व हैं, बच्चों की जो कोमलता है, बल्कि जो निर्मलता है, जो बात आप कह रहे हैं वो देखिए, असल में लोक कथाओं की एक विशेषता या लोक साहित्य की एक विशेषता सरलता मानी जाती है। विज्जी के काम की खूबी यह है, जैसी हम लोग बात कर रहे हैं, कि वो एपेरेंटली सरल दिखने वाली चीज़ों की जटिलता का अनुसंधान करती है। इसीलिए वो कहानी जो आपने कहा कि अगर जिस रूप में लोक में प्रचलित है उसमें लिखी जाए तो 2 पेज में आ जाएगी, वो दुविधा कहानी 20 पेज में फैलती है, क्योंकि उस सरलता, उस सरल स्थितियों की जो जटिलताएं हैं या जो जटिलताएं उनमें हो सकती हैं, उनका विज्जी जैसे लेखक अनुसंधान करते हैं। आप उसी इलाके के हैं, आपकी अपनी मातृभाषा मारवाड़ी है, और मारवाड़ी हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो, सब जगह इस तरह का लोक साहित्य बिखरा पड़ा है। आपकी जानकारी में विज्जी जैसा काम भारत में किसी और व्यक्ति ने भी किया है क्या? मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे नहीं पता कि सारे संसार की मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति एक तो साहित्य का जानकार हो, उन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा था, और जो भारतीय साहित्य है, खासकर बंगला साहित्य, उस तो उनको कंठस्थ था, तो एक तो उनकी सारी जो वैश्विक जो समझ है वो तो उनके पास में थी, लेकिन उसके बाद में उनकी अपनी पहचान अपनी भाषा की थी। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि उनकी कहानियाँ राजस्थानी भाषा में हैं, जो मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद ही किसी ने पढ़ी होगी, हम लोगों ने उनको अनुवाद के जरिए समझा है। जैसे कविता का अनुवाद कहा गया कि लगभग असंभव है, मेरा मानना है कि श्रेष्ठ गद्य का अनुवाद भी लगभग असंभव है। अगर मैं राजस्थानी का कोई टुकड़ा आपको पढ़ करके सुनाऊँ तो भी आपको जो है उसकी जो खनक महसूस हो सकती है, लेकिन उसकी जो
भीतरी महक है उसका अनुवाद हिंदी में जब मैं करने लगूंगा तो मैं खुद अचकचा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो विद जी की कहानियों का हिंदी अनुवाद हम जैसे लोगों ने पढ़ा है आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, अनुवाद तो अच्छा है और आप दोनों भाषाएं जानते हैं, और उनका अनुवाद जो है उनके बेटे ने किया, कैलाश ने, वह अच्छा अनुवाद किया है। और बिज्जी चूंकि हिंदी, मतलब पहले तो हिंदी में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, यानी उन्होंने, अगर आपको याद हो, कि ऐसी किताब लिखी जिसकी हिंदी में हम चर्चा नहीं होती, बाद में खुद भी उसको छुपाते थे, गांधी के तीन हत्यारे, तीन गुनहगार या तीन हत्यारे, हाँ तीन हत्यारे, उसमें उन्होंने हिंदी के तीन बड़े कवियों को उन्होंने ले लिया जो छायावादी कवि थे, और उनका मानना था कि मैंने पढ़ी है वो, तब मेरे ख्याल में कॉलेज के दिनों की बात है, जब वो जोधपुर में कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि उनका फलक बहुत व्यापक था, लेकिन उस फलक को जो बाद में जो चीज़ें आई हैं वो पूरा समेटना असंभव है, ये तो कैलाश भी मानते हैं। आज सवेरे मेरी कैलाश से बात हो रही थी जी, मैंने उनको ये पूछा कि आपने उसमें कई राजस्थानी के शब्द जो हैं जस के तस रखे हैं, जो अच्छा लगता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे शब्द आए हैं जिनको लोग समझ नहीं सकते हैं, जैसे रथवासा, उसको कोई भी समझ जाएगा कि रैन बसेरे से इसका ताल्लुक है, तो रथवासा को मैं नहीं चाहूँगा कि कोई वहाँ पे अनुवाद करे, क्योंकि उसमें राजस्थानी की जो 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 भंगिमाएँ आनी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा शब्द आते हैं। उनका तर्क ये था कि रेणु के यहाँ भी आते हैं, तो मैंने कहा कि लेकिन रेणु ने अनुवाद नहीं किया था, रेणु का लेखन वो मौलिक लेखन ही है, हम जब अनुवाद में कोई चीज़ ला के आ रहे हैं तो वो आखिरी पाठक तक पहुँचनी चाहिए। बहरहाल ये तो हम लोगों का एक मतभेद अनुवाद की शैली को लेके हुआ, लेकिन यूँ देखा जाए तो अनुवाद अच्छा अनुवाद है, यानी कोई कितना करीब पहुंच सकता है तो कहानी में वो कैलाश पहुंचे। आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे खुद को ये सवाल बहुत वो करता है और इस पर मेरी अपनी एक समझ भी है। दुविधा मुझे लगता है कि एक ऐसी कहानी है जो एक स्तर पर बहुत चाक्षुष कहानी है, बहुत विजुअल कहानी है, इसीलिए मणिकौल जैसे निर्देशक का वो ध्यान आकर्षित करती है और उस पर मेरी समझ से वो क्लासिक फिल्म बनाते हैं। दूसरी ओर वो एक बहुत बोलने वाली कहानी भी है और इसीलिए उस पर एक बहुत लगभग व्यावसायिक किस्म की फिल्म भी अमोल पालेकर बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लोक कथा की अपनी खास विशेषता होती है कि उसमें विजुअल इम्पैक्ट और जो सुनने का इम्पैक्ट है और जो बातों का इम्पैक्ट है, आप चूँकि उस परम्परा के जानकार हैं, क्या विज जी एक रचनाकार के तौर पर या एक ट्रांस क्रिएटर के तौर पर उस सब ताकत को पूरे का पूरा अपनी कहानियों में ला पाए हैं? मेरे ख्याल में उससे बल्कि ज़्यादा ही लाए होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि चरित्र वहाँ से उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शैली जो है लोक कथाओं की वो उनकी जान है, इस वजह से आप उनको लोक कथाओं का पुनर्भाष्यकार या पुनर्रचनाकार कुछ भी कहें, जबकि मैं उनको मौलिक लेखक ही मानता हूँ, पर उन्होंने वो मौलिकता तो वहाँ से ली है जिसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, बहुत छोटे छोटे, उनका अनुवाद उस रूप में हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा लगभग असंभव काम है। फिर भी काफ़ी कुछ अनुवाद हिंदी में जो आए हैं काफ़ी कुछ उसके करीब पहुंचते हैं, लेकिन चरित्रों को भी लेके आए, पर उसके बाद में उन्होंने, और जो जो दृश्यावली आपने कहा है वो भी आपको लोक कथाओं में मिलती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब सुन रहा है तो आपको सिनेमा की तरह पूरा बिल्कुल दृश्य को बांध देना पड़ता है, वो भी वो बांधते हैं। लेकिन इसके साथ में ये मानना चाहिए कि विज जी मूलतः एक वामपंथी लेखक थे, उनकी विचारधारा जो थी वामपंथ की तरफ जाती थी, तो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। तो राजा की शान में बहुत साहित्य राजस्थान में लिखा गया है, और जो ठाकुर जिन्हें कहते हैं, जमींदार भी कहते हैं, हमारे यहाँ ठिकानेदार भी कहते हैं, तो पहले एक हुआ करता था, बाद में उन्होंने अनेकों हिटलर जो राजस्थानी में कहानी लिखी थी, हिंदी में अनेकों हिटलर नाम से उन्होंने खुद अनुवाद किया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब तो खूब सारे जो अनेकों हिटलर, तो उनकी मौलिक कहानी है संभवतः, या वो भी किसी लोक कथा मौलिक कहानी है, लेकिन वो राजस्थानी में लिखी गई है, मूलतः राजस्थानी में, मौलिक कहानियाँ उन्होंने 8-10 ही लिखी, और मेरा मानना ये है कि जो लोक कथाओं पर आधारित हैं वो उनका काम ज़्यादा बढ़ा है, बेहतर। लेकिन ये जो अनेकों हिटलर कहानी है, इस कहानी में वो एक जगह कहते हैं कि अब तो जगह जगह ठाकुर पैदा हो गए हैं, यानी जगह जगह जमींदार पैदा हो गए हैं, क्योंकि उसमें सारा का सारा, जिस तरह से एक साइकिल वाले को ये जो ट्रैक्टर खरीद के जो लोग लाए हैं, और अब कुछ आधुनिक और पैसे वाले किसान हो गए हैं, अब उस साइकिल वाले के साथ उनकी दौड़ है। ये तो ओम जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दुर्भाग्य से ये चीज़ हम अपने समाज में दिनों दिन बढ़ती हुई देख रहे हैं। रोड रेज के जो किस्से अब दिल्ली और दूसरे महानगरों में होने लगे हैं कि आप रास्ता नहीं देंगे तो आपको टक्कर मार देंगे, आपको गोली मार देंगे, और अधिक संस्थाबद्ध रूप में, संगठित रूप में, जिस तरह की भयानक हिंसा हमारे समाज में किसी भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे को या मांग को लेकर हम देखते हैं, तो जाहिर है कि ये तो बढ़ती ही चली जा रही है चीज़। मैं जो एक बात और आपसे शेयर करना चाह रहा था ओम जी,
कि असल में जो बात आपने कही विज्जी की विचारधारा के बारे में, लोक कथा संसार के किसी भी हिस्से की हो, लोक साहित्य किसी भी हिस्से का हो, वो कहीं ना कहीं आम लोगों के दुख और असंतोष को व्यक्त करता है। और विज्जी उस दुख और असंतोष को एक बहुत व्यापक फलक देते हैं और एक बहुत चित्रात्मक और काव्यात्मक रूप देते हैं। और इस लिहाज से केवल राजसत्ता की बात नहीं है, जैसे जिन कहानियों की जिक्र हम लोग कर रहे थे, जैसे कागपंथ या जैसे दोहरी जिंदगी, वहाँ राजा और ठिकानेदार का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो समाज का पूरा स्ट्रक्चर है और ख़ास करके उसमें औरत की जो हालत है। ये दोनों कहानियाँ, खास करके दोहरी जिंदगी और कागपंथ, ये असल में एक बड़े व्यापक और गहरे अर्थ में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी गई कहानी। निश्चय, मतलब ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ये दो पहलू उनकी पूरी पूरे उनके कथा साहित्य में दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक तो उनका जो है वाम विचार, यानी पूंजीवाद को भी वो एक्सपोज करते हैं, राजाओं का जो वहाँ पे ठाट बाट जो था उसका भी मतलब एक तरीके से वो तिरस्कार करते हैं। उसके साथ साथ जो मानव की मानस की जो बनावट है, बच्चों का मानस, राजस्थान की महिलाएं जो हैं उनका मानस, अब और जगहों की महिलाओं का मानस जो है वो किस तरह से जुदा होता हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजस्थान की महिला की शादी जब हो जाए दुविधा में आप देखते हैं तो वो आपको तस्वीर वहीं मिल सकती है। उसको सामने लेके आना भी बड़ी बात है कि आप ठीक ठीक अंदाज में वो चीज़ लेके आएँ, लेकिन उसके साथ में एक आधुनिक आयाम दें। वो आधुनिक आयाम आपको मिलता है जब उन महिलाओं की, उन स्त्रियों की उधेड़बुन सामने आती है, और खासकर पूंजीवाद पर भी जब वो चोट करते हैं। यानी मैंने कहा लोक कथाओं में उतना आपको नहीं मिलता है, नेचुरली लोक कथाओं में राजाओं की शान मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सेठ जो है वो शादी करके आते रास्ते में जब वो बहू को लेके आ रहा है वहाँ पे वो अपना रोजनामचा लिखा के बैठा है, हिसाब किताब में लगा हुआ है, और फिर रास्ते में वो इस बात को कहता है, पहले कहेगा तो शादी नहीं होगी कि मुझको तो कोई शुभ मुहूर्त मिला इसलिए मुझे अब जाना है, और 5 साल के लिए चला जाएगा। और वो जो स्त्री के मन में उधेड़बुन खड़ी हुई है, वो उधेड़बुन की जड़ में ये पूंजीवाद वाला जो रवैया, ये भी इसको चोट करते हैं। यानी न्यारी न्यारी मर्यादा में जो स्त्रियाँ हैं, बाहर हटकी पत्नी, रानी और सेनापति की आसमान जोगी में भी इस तरह से है, और इसमें जो न्यारी न्यारी मर्यादा में जैसे जो बात आप कह रहे थे उसमें देखें तो जो नैतिक पतन की चरम सीमा है कि आपको इसकी भी परवाह नहीं है कि वो कोई लड़की आपके अंश से है या कोई लड़का आपके अंश से है, आपको केवल उसके शरीर का उपभोग करना है कुछ भी हो, और अगर हम करें तो सब ठीक है क्योंकि पुरुष कुछ भी कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए मर्यादा अलग है, न्यारी न्यारी मर्यादा। मैं ये जानना चाहता हूँ ओम जी कि अगर इस तरह की परंपरा राजस्थान में रही है, मैं थोड़ा व्यापक फलक पे ले रहा हूँ, राजस्थान में अगर इस तरह के प्रश्न करने वाले साहित्य की परंपरा लोक में रही है, जैसे विज्जी ने एक बहुत ही अलग तरह का फलक और व्यापक फलक दे दिया, फिर ऐसा कैसे हुआ कि राजस्थान में सामंती ढांचा इतना दृढ़ और मजबूत बना रहा और आज तक बना हुआ? नहीं देखिए, उसमें तो कोई बिज्जी का दोष नहीं था। नहीं नहीं, मैं बिज्जी की बात ही नहीं कर रहा। बिज्जी ने तो बिज्जी की बात नहीं कर रहा, ये तो एक बहुत व्यापक सवाल है मेरा, बिज्जी को छोड़ दीजिए। वो तो अभी भी आपको जो है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो अतीत की जड़ें हैं उन जड़ों को हम पूरे देश में जहाँ भी जाएँ बहुत हम उसको उखाड़ नहीं पाए हैं। सती का चाहे बहुत कम किस्से हुए हों, लेकिन अगर इस 20वीं सदी में हमने देखा कि 20वीं सदी में भी अगर सती राजस्थान में हो गई तो वो चीज़ें जो हैं उनकी तो जड़ें बहुत उस तरह की गहरी हैं, और सामंती मानसिकता की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। इसलिए जब वो चोट करते हैं तो अपनी कहानी में जब वो ये बात लेकर के आते हैं कि ये जो नई मानसिकता पैदा हो रही है ये हिटलर की मानसिकता है, और नाम लेके वो नागासाकी का जिक्र करते हैं, हिरोशिमा का जिक्र करते हैं, बांग्लादेश का जिक्र भी करते हैं, यानी वो हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको भी नहीं बख्शते। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद हिटलर का जिक्र करते हैं, खुद हिटलर का जिक्र करते हैं, मतलब नाम ही हिटलर रखा है, और एक तरह से ये कहते हैं कि हिटलर केवल जर्मनी में नहीं होता, हिटलर एक रूपक भी है। तो राजस्थान से वो उस किस्म का मोह भी नहीं रखते हैं कि उसको हर जगह वो उसको ग्लोरीफाई करते चले। वो ये राजस्थान के किसानों की मानसिकता है जो अपने ही राजस्थान के एक साइकिल सवार को जिसमें बहुत उत्साह है और वो ट्रैक्टर से जो है वो दौड़ लगा रहा है, और ट्रैक्टर चूँकि फौज के आगे सामने से ट्रक आ रहे हैं तो चूँकि ट्रैक्टर धीमे हो गया है तो ट्रैक्टर वालों को अपना जो अहम है, अभी जो अहम की बात है, ये अहम की बात आपको दुनिया के तमाम साहित्य में मिलेगी, लेकिन वो जहाँ पर ला के उसको पूंजीवाद से जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है वहाँ वो जो और वो विचारधारा वो थोपी हुई नहीं है, लेकिन वो उनको आधुनिक साहित्यकार बनाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ओम जी आप। बातचीत का ये दूसरा हिस्सा जिसमें हम मौजूद लोगों की भी टिप्पणियां और सवाल लेंगे,
सबसे पहले दुर्गा प्रसाद जी, आप अपना सवाल ओम जी से, मुझसे या भगवान से, जिससे भी पूछना चाहें पूछिए। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। ओम जी दुविधा संग्रह में ही एक कहानी है, दूजो कबीर। अगर देखा जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये सत्ता और एक कला की कहानी है, और जिसको लेकर के देथा जी ने बड़ी अच्छी तरह से कबीर के माध्यम से, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि वो मनुष्य और हमारे समाज के आचरण, या जिसको हम कहते हैं कि नैतिक आचरण की वो कहानी है एक तरीके से, और उसका पोर वो पूरा खोलती जाती है, केवल सत्ता और कला के संबंधों की कहानी नहीं है वो। देखिए, मैंने एक बात कही थी अभी कि हम उनको लोक कथा का पुनर्रचनाकार मानते हैं, पर साथ में मैंने ये कहा कि मैं उनको आधुनिक साहित्यकार भी मानता हूँ, क्योंकि लोक कथाओं से जोड़ देने पर हम एक तरीके से किसी को एक ऐसे प्राचीन अंदाज में देखने लगते हैं जिसमें आधुनिकता नहीं आती है, जबकि बिजी में तो कूट कूट के भरी है। बिजी का चूँकि कलेवर बहुत व्यापक था, और मैंने कहा उस संसार में काफ़ी उन्होंने वो घूमे भी बहुत थे, और उन्होंने संसार का साहित्य बहुत पढ़ा, बल्कि उनके स्वभाव में, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, वो हर पंक्ति को पढ़ते वक्त उसके नीचे नीचे रेखांकित करते चले जाते थे, इतना गौर से पढ़ते थे विश्व का साहित्य, चाहे मार्केज का हो, चाहे शरदचंद्र के, तो खैर वो जबरदस्ती मतलब बहुत ज़बरदस्त पाठक थे, और रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी, तो उनका ये जो फलक था उनके सोच का, तो इसकी वजह से उनकी कहानियों की बनावट में जो है वो आधुनिकता आपको जगह जगह दिखाई देगी, पारंपरिक उन्हीं, तो जब कबीर को लेके तो आएंगे, लेकिन उनके दिमाग में अब उस एक नए किस्म से एक नए कबीर की तस्वीर जो है उसको स्थापित करने का भी उनका बहुत सोचा समझा प्रयास है। ये बात तो शीर्षक से भी जाहिर है, दूजो कबीर वो जाहिर है, दूसरा कबीर, अनेकों हिटलर, तो अनेकों हिटलर जो है अब वहाँ पे वो बेचारे सिर्फ ट्रैक्टर वाले किसान नहीं हैं, वो तो प्रतीक हैं। आप देखें तो पूरा जिस तरह से पूंजीवाद फैल रहा है, और जो किसान अचानक ट्रैक्टर खरीदने के काबिल हो गया है, वो कहता है कि 60,000 का ट्रैक्टर है हमारे पास में, और ये 200 रुपये की 200 रुपल्ली की साइकिल लेकर के हमसे दौड़ कर रहा है, और अंततः तो वो उसको मार डालते हैं। तो ये सिर्फ सवाल लेते हैं, तो किसान का झगड़ा नहीं है ये, मेरे ख्याल में वर्ग संघर्ष जो है वो सोच समझ के उस वर्ग संघर्ष को लेके आते हैं। ओम जी, आप तो टीवी कार्यक्रमों के वेटरन हैं, इस माध्यम की सीमा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सुझाता। ओम जी से मैं मुखातिब हूँ। मुझे लगता है कि इन कहानियों में एक भारतीय फेमिनिस्ट थियोरी को विकसित करने की पर्याप्त गुंजाइश है, बेहद उर्वर कहानियां हैं, और उसकी वजह मुझे लगता है कि एक जो मौखिक परंपरा है लोक कथाओं की, उसको जब लिपिबद्ध किया, जब उन्हें लिखा गया, तो वहाँ लिखने में भाषा न केवल टूल थी बल्कि वो अपने आप में एक टेक्स्ट है। तो जब भाषा खुद एक टेक्स्ट हो जाती है, तो वो फॉर्म जो पहले फॉर्म था वो बदलता है, नया फॉर्म विकसित होता है। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। ये जो आपने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं ये सोचता हूँ कि कहानी में सिर्फ हम कंटेंट को देख करके आमतौर पर उनकी व्याख्या करते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से आपने उसमें क्या लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है ये चीज़ उससे भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि रघुवीर साहब कहते थे कि मेरे पास देने के लिए शिल्प ही तो है, और मेरे पास क्या है। तो कई जगहों पर, कई संसार में, कई लोक कथाएँ कई देशों में एक सी मिलती हैं, हमको लगता है ये हमारी हैं, जबकि आप अफ्रीका में जाएंगे तो आपको वहाँ भी मिलती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कैसे कहा गया है। बिज्जी ने यहाँ पर लोक कथा को, लोक कथा का कंटेंट तो लिया है, विषय वस्तु तो लोक कथा की ली है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसको एक आधुनिक जामे में उसको कहना चाहिए कि उसका रूपायन भी किया है। सुजाता जो सवाल उठा रही है उस पर मुझे जो बात लगती है, ओम जी, असल में केवल बात बिज्जी की कहानियों के आधार पर इंडियन फेमिनिस्ट थ्योरी डेवलप करने की नहीं है। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से वेदना ये है कि भारत के हम इंटेलेक्चुअल्स, खास करके जो जनवादी रुझान के अपने आप को कहते हैं या लिबरल कहते हैं, हमने अपने सांस्कृतिक अनुभव से एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बनाई ही नहीं। अभी भी हमारी स्थिति यह है कि हम भारतीय अनुभव को, चाहे वो संस्कृति का हो, रचनात्मकता का हो या पॉलिटिकल हो, उसे किसी ना किसी प्रकार के ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। और इसलिए केवल विज्जी की बात नहीं है, अगर आप रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ें, और अगर आप पीछे भी जाएँ भक्त कवियों को पढ़ें, या उसके भी पीछे हमारे क्लासिकल कवियों को भी पढ़ें, तो बहुत सारे अपने सांस्कृतिक अनुभव और उससे जुड़ी हुई राजनीति को विकसित करने की प्रामाणिक थ्योरीज हम यहाँ से विकसित कर सकते हैं, बशर्ते हम एक बात लगातार ध्यान रखें कि इतिहास अगर आप एक गांव का भी लिख रहे होते हैं
तो वो अंततः विश्व इतिहास का हिस्सा होता है। कोई भी समाज, कोई भी सरोकार अंततः एक यूनिवर्सल सरोकार, एक यूनिवर्सल थ्योरी का ही हिस्सा होता है। डॉक्टर जावेद का सवाल। मेरा एक सवाल है कि अभी उर्दू के एक बहुत ही मशहूर कहानीकार इंतज़ार हुसैन का इंतकाल हुआ, तो बिज्जी की कहानियाँ और ये इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ, क्या एक इनका कोई अध्ययन हो सकता है, कंपरेटिव स्टडी हो सकती है? चूँकि बिज्जी खुद बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इंतज़ार हुसैन से, और इंतज़ार हुसैन खुद बिज्जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और अक्सर ये कहा गया है इंतज़ार हुसैन को कि वो पाकिस्तान के विजयदान देता है, और विजयदान देता को हिंदुस्तान का इंतज़ार हुसैन कहा गया। जाहिर है कि उन्होंने भी लोक कथाओं के ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक स्टडी होना चाहिए, आपका कुछ ख्याल है इस बारे में? देखिए, जाना दोनों को एक जगह ही होगा, लेकिन एक ही नाव में सवार नहीं थे। मेरा मानना है कि दो अलग अलग नाव में सवार थे, ये मानना चाहिए, क्योंकि आप उनको, जिन्होंने दोनों को पढ़ा है, मैंने सौभाग्य से दोनों को पढ़ा है और दोनों से मैं संपर्क में भी आया हूँ, मेरा मानना है कि सोचने का नज़रिया तक भी जो है वो बहुत उसमें फ़र्क था। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई, बहुत धन्यवाद आपका और आप सब मित्रों का। अगले एपिसोड में हम किसी और महत्वपूर्ण किताब पर, किसी और महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ बात करने के लिए आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अंत में, अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो हर बार की तरह इस बार भी अपनी राय हमें लिख भेजिए। आप जानते ही हैं कि राय भेजनी है फेसबुक पेज पर facebook.com/राज्यसभा TV या ट्विटर हैंडल राज्यसभा TV का जो ट्विटर हैंडल है, और उस पर #KitabOnRajyasabhaTV। जो टिप्पणी, जो राय हमें सबसे रोचक और महत्वपूर्ण लगेगी, उसे कुछ पुस्तकें उपहार में दी जाएंगी उसको भेजने वाले को। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए राज्यसभा TV के अन्य कार्यक्रम। धन्यवाद।